तो बस सबका कोई ना कोई सेलिब्रिटी क्रश होता है, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मुश्किल सवाल है। अगर आप मुश्किल नहीं है तूबा। मुश्किल तो है। क्या मुश्किल है इसमें? मुझे लोग बहुत कम पसंद आते हैं, मसला ये है। आपने ये जवाब में नहीं कहा कि मुझे लोग पसंद नहीं आते, आपने कहा कम पसंद आते हैं। यही तो कह रही हूँ। कम में कौन है? कम में कौन है? अच्छा वैसे हम किसी का भी नाम ले सकते हैं? नहीं, हम कौन सा कह रहे हैं कि आपने सिर्फ सगावत साहब का नाम ले यार कह दे हो मुझे जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कोई बचपन में मैंने किसी को देखा और मुझे एकदम पसंद आया, डेविड बेकहम, आई रियली लाइक हिम। बचपन की बात नहीं हो रही, अब नहीं पसंद आता कोई, अब तो मुझे किसी पे क्रश ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? लास्ट जो क्रश था वो कौन था? लास्ट लास्ट क्रश डेविड बेकहम। बातचीत होती रहती है अक्सर, क्या कहता है? मलयाले मैनू भी कहते डेविड बेकहम। क्या कहता है डेविड? आजकल कुछ गमगीन महसूस हो रहा है। क्यों? जवाब नहीं दे रहा। मुलाकात नहीं हो रही है ना बहुत वक्त से। अच्छा मुलाकातें भी रही हैं आपकी? कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं? ख्याली तो चलती रहती हैं आपको पता। और आप तो कहती थी अब मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर रहती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप ख्यालों की दुनिया में अभी भी रहती हैं। जी एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने आप को अजियत में रखने वाली बात है। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, वो तो आप अपना ध्यान बांट ले। बता देना चाहिए। में बड़ा गम है, क्या एक और थोड़ी पालना है? क्या बात है, प्यार करें तो भरपूर करें वरना ना करें। मुझे नहीं रोक सकता। अरे पान बेचता हूँ, अरे पान बेचता हूँ, लबो की शान बेचता हूँ। अरे आज पता चला कि तूबा जी आई हुई है, तो मैंने कहा भी जब तक मैं उन्हें अपने हाथ का पान बनाऊं नहीं खिलाऊंगा तो मुझे तो सुकून नहीं आएगा। ये पान है, ये कैसे जाते हुए अपने कराची साथ लेके जाना है? बस हाजिर इसलिए हुआ था कि मेरी बीवी आपकी भाभी जी, आपकी भाभी ही पार्लर बनाना चाह रही, उसके दिल में अचानक से एक उमंग उठी है कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर बना लूं। तो आपने आज आइए इफ्तिताह करके जाना, ठीक है? आपने यूं कटिंग करनी है, फीता काट के जब आपने अंदर जाना और पार्लर देख के आप हैरान हो जाएंगी, क्योंकि मेरी बीवी और आपकी भाभी ने कहा कि जितना भी पार्लर के अंदर सामान डलेगा वो तूबा जी डलवा के देगी। अच्छा जी, क्यों? यानी तुसी मेहमाने खुसूसी हो, नाल मदद करनी है ना? मेहमाने इमदादी। तो बस वहां पे भाभी किवें चलाएगी ब्यूटी पार्लर, ओदी ते इक बाह है। और उसके बाद ना फिर घर चलना है, लुटन को मिलना है, डुब्बन को मिलना है। ये आपके भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं, ठीक है? अब बस लाख लाख रुपया उन्हें देना आपने। बिल्कुल सही, ठीक है ना? लाख लाख रुपया अब बेटो उसे सलाब जरूर के कुछ बचेगा कि सब आप ही को दान कर देना है मैंने। आपकी इफ्तिताह करना, लेकिन जो मेरे पास होगा वो मैं आपके लिए इफ्तिताह करना। और आपकी भाभी वो अदाकारी भी करना चाहती है, जब भी आपका भड़ास देखती है ना मुझ पे भड़ास निकाल देती है। आप अपनी प्रोडक्शन भी कर रही है, अगर मेरी बीवी को आप वहां उसका वो क्या कहते हैं डेब्यू, उसका डेब्यू आप कर दें, वो हिट हो जाए, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, वो अपना काम खुद करे, अपना कमाए खाए। तो आप छोड़ क्या हो रहे हैं? वैसे अगर आप इस बात को ही डेफ्यू कर दें। डेफ्यू डेफ्यू दूर। अरे ये देखो ये मुस्कुराहट कहीं मिल सकती है? मिल तो रही है पौने घंटे से मुज़ाकरात को। अब मैं मिल रही है तो अब वादा पक्का हुआ? पक्का हुआ। मुबारक हो, अब हम आएंगे, अब मैं इंतजार करूँ आप पॉलर पे और इफ्तिताह करें। बच्चों आपने जाना, ताली तो बजाओ। सगावत साहब जी जी, वो बच्चा एक बार रो रहा सीधा ठीपा गवाच गया है। अच्छा। इन्हें पैर थले मैं भी इस तो लेट होया। की कहंदे ओदे बारे च? अज शर्मिंदा हो के दौड़ी भजी फिरन डई। क्यों? कि अज मैं किवें सामना करां? हाय स्पॉटलाइट आज कुछ और मूड में
आज उसकी एक आंख बड़ी छोटी हो रही, मुकाबला करना चाहती है, आज वो देखना चाह रही है कि हुस्न इतना करीब से उसको कैसा लगता है। आए 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 आए। आज तक सुन दे ऐसा चन चंद दे सामने आ गया ते अज अपनी अखा नाल वेखांगे चन चंद दे सामने आंदा की नहीं। आए ए पंजाबी फिल्म दे डायलॉग है अल्लाह दी कसम। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।